जा रही है छत्तीसगढ़। पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष गिरफ्तार, बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के निदेशक भी गिरफ्तार। निदेशक समेत दो आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। 45 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। सीजी पीएससी परीक्षा 2021 में उम्मीदवारों के चयन का ये मामला है। उम्मीदवारों के चयन से संबंधित मामले में रिश्वत का आरोप लगा, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। तो निदेशक समेत दो आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सीबीआई ने छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन तमन सिंह सोनवानी और पूर्व सेक्रेटरी जीवन किशोर और दूसरे आरोपियों के खिलाफ जुलाई में मामला दर्ज किया था। आरोप है कि पूर्व चेयरमैन ने नियमों को ताक पर रखकर अपने बेटे बहू को डिप्टी कलेक्टर, भाई के बेटे को डिप्टी एसपी, भाई के बेटे की पत्नी को एक्साइज अधिकारी और अपनी बहन की बेटी को लेबर अधिकारी बना लगा दिया था। इसके अलावा पूर्व चेयरमैन ने कांग्रेस के नेताओं के बच्चों और अधिकारियों के बच्चों को भी डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी लगा दिया था। इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई हो रही है। सीजी पीएससी परीक्षा 2021 में उम्मीदवारों के चयन से जुड़ा यह मामला है। उम्मीदवारों के चयन से छत्तीसगढ़ पीएससी तत्कालीन अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड के निदेशक को भी गिरफ्तार किया गया है। उम्मीदवार के चयन से संबंधित मामले में रिश्वत का आरोप है। सीजी पीएससी परीक्षा 2021 में उम्मीदवारों के चयन का यह मामला। छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा मामले में ये गिरफ्तारी हुई है, जिसमें स्कैम किया गया था और अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश जो है वो यहां पर लग रही है तत्कालीन अध्यक्ष पर। पीएससी के पूर्व चेयरमैन तमन सिंह गिरफ्तार। दीपक विश्वकर्मा ब्यूरो हेड छत्तीसगढ़ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले विस्तार से बताइए पूरा मामला क्या है। गिरफ्तारी यहां पर अध्यक्ष की, पूर्व अध्यक्ष की हुई है और साथ ही एक तरह से कह सकते हैं कि जो उम्मीदवारों के चयन का मामला है, जिसमें अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश का आरोप जो है वो पूर्व चेयरमैन पर लग रहा है। दीपक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ पीएससी के पूर्व चेयरमैन की गिरफ्तारी। बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड रिश्वत मामले में दोनों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। 45 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लग रहा है। दीपक विश्वकर्मा ब्यूरो हेड छत्तीसगढ़ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले विस्तार से बताइए पूरा मामला क्या है। गिरफ्तारियां इस पे हो गई हैं, जिसमें आरोप लग रहा है पूर्व चेयरमैन पर अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश जो है वो पीसीएस में की गई। ये आसान भाषा में समझा जाए तो स्थिति ये थी कि पूर्ववर्ती सरकार के समय पर जो सीजीपीएससी के चेयरमैन थे तमन सिंह सोनवानी, उनके ऊपर ये आरोप लगे कि उन्होंने अपने परिवार और अपने परिवार से संबंधित जितने भी लोग हैं उनकी नियुक्ति सीजीपीएससी में करवा दी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो शुरुआती लिस्ट थी 1 से लेकर 26 नंबर तक, उसमें जितने भी छत्तीसगढ़ के राज्य प्रशासनिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उन सबके बच्चों की नियुक्ति कर दी गई, चाहे बहू हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, तमाम ऐसे लोगों की नियुक्ति कर दी गई। उसके बाद जो बचे कुचे थे वो छत्तीसगढ़ के जो रसूखदार लोग थे, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़े बिल्डर हैं, उन सबके बच्चों की नियुक्ति कर दी गई। जब ये मामला संज्ञान में आया तो तमाम बच्चों ने इसकी खिलाफत की और ये कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तमाम वो लोग किसी परिवार से जुड़े हैं या जिनका राज्य प्रशासनिक सेवा में कोई इस तरीके से दखल नहीं है, लेकिन उनके जो परिजन हैं वो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, उनके बच्चे कैसे 1 रैंक 2 रैंक 3 रैंक 4 रैंक 5 रैंक वो कैसे ला सकते हैं। इस तरीके के तमाम सवाल हुए चुनाव से पहले की बात थी,
भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को मुद्दा बनाया और एक लाइन में हर जगह अपने भाषणों में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर डॉक्टर रमन सिंह से लेकर तमाम लोगों ने एक स्वर में ये कहना शुरू कर दिया कि हमारी सरकार आएगी तो पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच कराई जाएगी। सरकार बदली, पहला हस्ताक्षर सीजीपीएससी पीएससी की जांच के ऊपर दे दिया गया। जब पहला हस्ताक्षर सीजीपीएससी की जांच के लिए दे दिया गया, उसके बाद नौबत आई, तमाम जगह धरपकड़ की गई, कई लोगों को नौकरी से हटाया गया, कईयों की बर्खास्त की गई और उसके बाद स्थिति ये उपजी कि जो तामन सिंह सोनवानी है, तत्कालीन उस समय के जो चेयरमैन थे तामन सिंह सोनवानी, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन थे, उनको तत्काल प्रभाव से वहां हटाया गया। हटाए जाने के बाद वो लगातार लंबे समय से फरार चल रहे थे और जब वो फरार चल रहे थे, अब सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और बजरंग इस्पात के जिस डायरेक्टर का नाम आ रहा है वो नाम एस के गोयल का नाम आ रहा है, जिन्होंने 45 लाख रुपए की घूस दी है किसी की नियुक्ति कराने के लिए। ये पहला ऐसा मामला है पूरे मामले में कि एक व्यक्ति चिन्हित हुआ है कि जिसने 45 लाख रुपए दिए कि फलाने आदमी को आप नौकरी दे दीजिए, उसकी एवज में मैं आपको 45 लाख रुपए दे रहा हूँ। अब जब गिरफ्तारी हो गई है तत्कालीन चेयरमैन की, तो एक बात साफ हो गई है कि इस मौजूदा दौर में तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसी कलाई अब खुल सकती है जो उससे तार जुड़े हुए। बिल्कुल, और दीपक उम्मीद यही है कि आगे भी कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, अब कुछ बड़े नाम और सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इस खबर पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।